हम लोग कर रहे हैं कैपेसिटर, ठीक है, उस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है कि अभी तक जितने सिनेरियो मिल रहे थे वो या तो सीधे पैरेलल थे, तो इस केस में सिंपल था कि तुम दोनों को ऐड कर दे रहे थे, समेशन ऑफ सी आई कर दे रहे, या सीरीज में थे तो समेशन ऑफ 1/CI कर दे, ठीक है। बट ऐसा सिनेरियो आ सकता है जब तुम्हें ना वो पैरेलल दिखे ना सीरीज दिखे, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो लेट से कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए कि मान लो तुम्हारा ऐसा कैपेसिटर है, एक इधर कैपेसिटर है, एक इधर कैपेसिटर है, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा कर देता तो सॉल्व करना आसान हो जाता, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं पूछता तो। बट ये आता इस पॉइंट पे, ये कॉमन पॉइंट है मान लो, ठीक है, और इसमें पूछता है, तो चलो बताओ इसके बारे में बताओ क्या होता है। ए और बी, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ठीक थ्री सी तो तुम्हें तीनों पैरेलल दिख रहे होंगे, ये कॉमन पॉइंट पे ये तीनों है और ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पे है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो हो सर। रहा है ये। तो ये तीन सीरीज में है, सीन तीन पैरेलल में है, सर तो ये हो जाएगा 3C, आसान हो गया। बट मान लो ये यस सर सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता, इसी सिमिलर सिनेरियो को कुछ ऐसे कर देते हैं, एक बैटरी यहाँ और एक बैटरी, ओके। ऐसे में क्या होता, मान लो इसका वोल्टेज है V और इसका वोल्टेज है 2, ठीक है। और अब इसमें क्वेश्चन, मान लो कि जब वहां पे 3C आया था, ऐसे 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 था, तो ठीक है, अगर सब पे चार्ज भी पूछा जाता तो बता देते तुम। अगर इसके क्रॉस वोल्टेज V होता तो सब पे चार्ज कितना होता, CV CV CV, ठीक है। अब ऐसा पूछा जा रहा है कि अब बताओ सब पे चार्ज कितना होगा। लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ 2 और इसको बोल रहा हूँ 3, ठीक है। 1 का कैपेसिटेंस है C, 2 का कैपेसिटेंस है 2C और 3 का कैपेसिटेंस है 3C, तो सब पे चार्ज कितने हैं। क्या तुम अब ये ए और बी हटा दो क्योंकि इस पे चार्ज पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट तो पूछा नहीं जा रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है इसको डायरेक्टली पैरेलल बनाया जा सकता है या सीरीज बनाया जा सकता है, तुम ऐसा कर पा रहे हो। उसको नहीं, जो जो बैटरी से ना तो सिंपली डायरेक्ट ये इस तरह से पैरेलल या सीरीज नहीं बन पाएगा, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं, वैसे यहाँ पे हम क्या फ्लो कराएंगे, चार्ज फ्लो कराएंगे, क्लियर है। हाँ सो मान लो इधर से चार्ज गया Q1 और इधर से चार्ज गया Q2, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा Q1 और इस प्लेट पे यही चार्ज चला जाएगा Q2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस तो अगर इस पे Q1 चार्ज है तो इसके सर अपोजिट प्लेट पे कितना होगा, -Q1, और इस पे कितना होगा, -Q2, तो इस वाले प्लेट पे कितना होगा, 3 वाले प्लेट। प्लस Q1 प्लस Q2 वेरी गुड, चार्ज कंजर्वेशन से, ठीक सर है। तो इस वाले प्लेट पे कितना होगा, -Q1 -Q2, क्लियर है। सो अब एक तरह से तुम्हें सब पे चार्ज अज्यूम कर लिया, तो अगर कैपेसिटर है
और उस पे चार्ज क्यू है ये पता है, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा? वोल्टेज डिफरेंस, अरे वो कौन सी वो क्यू ये क्यू वन होता है क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी आया ना यस सर। तो एक तरह से तुमको सब सभी जो तुम्हारे ये सर्किट में ये एलिमेंट है इनके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मालूम हो गया आया ना? यस सर यस सर। तो इसमें हम वोल्टेज का इक्वेशन बना सकते हैं? यस सर। जगह से चलोगे अगर उसी जगह पे पहुंच जाएंगे तो मेरा वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो। ठीक है हाँ। तो मान लो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, कोई भी सर तुम्हारे पास कितने अननोन है? एक दो और तीन, एक दो ही बोलो ना, क्यू वन क्यू टू, क्योंकि यहाँ पे क्यू वन प्लस क्यू टू है तो दो अननोन है, तो कम से कम तुम्हें कितने इक्वेशन चाहिए? दो दो दो। ठीक है तो दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी लूप में। चल लो मान लो इस लूप में हम चलते हैं इस वाले लूप, तो हम यहां से यहां आए तो मेरा पोटेंशियल क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितना? V। फिर यहां से यहां गए तो मेरा पोटेंशियल घटा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है माइनस। कितना घटा? माइनस माइनस। फिर अब यहां अंदर आ रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो फिर से घटा, कितना? माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू बाई सी, थ्री सी। एंड फिर हम जहां चले तो वहीं पे पहुंच गए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। क्लियर है कि नहीं? हाँ। ये एक इक्वेशन बन गया। चलो इसमें चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस टू वी माइनस माइनस क्यू टू बाई टू सी माइनस माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू बाई थ्री सी इज इक्वल टू। क्लियर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास दो और माइनस क्यू वन क्यू टू दो इक्वेशन मिल गए, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? So similarly, अब कुछ questions ऐसे आएंगे जो बहुत typical लगेंगे but उसको आराम से handle किया जा सकता है। बस इस बात को याद रखो कि मान लो कोई आदमी है, इंसान की फितरत समझो, वही सभी मैटर की फितरत होती है। एक आदमी इधर से चल रहा है और आगे दो रास्ते आ गए, तो किस रास्ते पे वो जाना पसंद करेगा? जिसपे कठिनाई ज्यादा है या जिसपे कठिनाई कम है? कम है। जिस पे कठिनाई कम है या जिस पे रेजिस्टेंस वाला? हाँ। ठीक है। सो इसी तरह से चार्ज भी होता है। ठीक, अगर मान लो दोनों रास्ते सेम होते कठिनाई के हिसाब से तो दोनों पे जाने के चांस है 50% इस पे भी जा सकता था, 50% इस पे जा सकता था। तो सिमिलरली अगर चार्ज आएगा और दो सर्किट में दो रास्ते आगे बन रहे हैं, ठीक है, तो दोनों पे अगर रेजिस्टेंस सिमिलर है तो 50-50 बट जाएगा। ठीक है। और नहीं तो अकॉर्डिंगली जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर कम जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से कैपेसिटर के हिसाब से देखो, अगर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एक जैसा लग रहा है तो चार्ज इक्वली बटेंगे, अगर अलग अलग बट रहा है, अलग अलग दिख रहा है तो अलग अलग बटेंगे। क्लियर है कि नहीं? सो अब मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा सिनेरियो आ रहा है, इधर से चार्ज क्यू आया, अब जो बैटरी है उससे नहीं मतलब है मान लो, और यहां से दो ऐसे कैपेसिटर है, एक सी है और एक सी है। तो अब बताओ कैसे बटेंगे? इक्वल इक्वल, क्यू बाई टू क्यू बाई टू क्यू बाई टू क्यू बाई टू। भाई चूंकि ये पैरेलल है तो इनके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। तो इसके मतलब वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? क्यू बाई सी। क्यू बाई सी मतलब क्यू बाई सी का रेशियो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट। आया ना? किसके केस में? अगर पैरेलल है तो। क्लियर है कि नहीं? मान लो ये क्यू आता
और इधर होता सी और इधर होता टू सी, अब चार्ज कैसे बढ़ता? ऊपर चार्ज जाएगा, ऊपर जाएगा क्यू, तो मान लो इसमें क्यू वन जाएगा, मान लो इसमें क्यू टू जाएगा, तो क्यू वन बाई सी विल बी इक्वल टू टू क्यू ऊपर होगा बाई टू सी, आया ना क्यू वन बाई क्यू टू, तो क्यू वन बाई क्यू टू क्या हो जाएगा वन बाई सी बाई टू सी, मतलब हाफ, मतलब Q2 Q1 का दुगना होगा, Q2 Q1 का, तो ये रेशियो है, तो रेशियो है 1 is to 2, मतलब तीन हिस्से करें सर, Q2 Q1 का दुगना होगा या Q1 तो उल्टा हो गया, उल्टा Q2 Q1 का दुगना होगा ना, तो Q1 तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्यों मैंने क्या बोला है, अच्छा नहीं हाँ 2C है सॉरी, सही पैरेलल में हाँ, तो 1 is to 2 का रेशियो है, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, तीन, तीन पार्ट हो जाएंगे, 1 में जाना चाहिए 1 by 3, 1 by 2 में जाना चाहिए 2 by 3, 2 by 3, तो इसमें चला जाएगा 2 by 3 c, 2 by 3 q, q आ रहा है ना, और यहाँ पे जाएगा 1 by 3 q, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो जिधर कैपेसिटेंस ज्यादा उधर चार्ज ज्यादा, क्लियर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू CV, ऐसे भी सोचो वोल्टेज इधर ज्यादा होगा, C तो उसका फिक्स है, वोल्टेज सबके लिए सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सबके लिए सेम है ना, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे चार्ज ज्यादा होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और सीरीज के बारे में सोचना नहीं है, उसमें तो सब पे एक ही चार्ज होगा, तो जब भी पैरेलल में सर्किट होगी जो जिधर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उधर चार्ज ज्यादा होगा, और रेशियो क्या होगा उनके कैपेसिटेंस का रेशियो, क्लियर है कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, तो चलो एक टिपिकल सा कुछ आता है आप लोग को लगाने के लिए कुछ ऐसा कि एक क्यूब है, और सब में कैपेसिटर्स लगे हुए, सब पे हो गए, चारिये 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 सब पे हो गए, ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि मान लो कि इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है और इसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट बी है, तो यू हैव टू फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, तो तुम इसमें देखोगे ना तुम सीरीज बना पा रहे हो ना पैरेलल बना पा रहे हो, सभी का और सभी का कैपेसिटेंस सी ही है, ठीक है, सभी का कैपेसिटेंस सी ही है, क्लियर है, तो कैसे करेंगे इसको, सीरीज पैरेलल बना नहीं पा रहे होगे, सर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, जैसे वो एक या तुम इसको क्यू दौड़ाओ सब में, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री दौड़ाओ, ठीक है, फिर उसको Q के लिए सॉल्व करो, तो वो भी एक लंबा रूट मिल सकता है, ठीक है, सो तुम जितने साइड्स हैं उतने, कितने साइड्स हैं इसमें, 12 साइड्स, 6 हैं कि 12 है, 6 तो सरफेस होंगे, हाँ 6 सरफेस है, 12 साइड्स होंगे, तो 12 चार्ज, तो तुम 12 कॉम्बिनेशन बनाना चाहोगे, तो 12 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा, तो एक तो मुश्किल भी होगी और जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ेंगे टाइम भी लगेगा और उसमें गलती होने के चांस भी बढ़ते चले जाते हैं, बट अगर तुम सोचो रास्ते, तो यहां से ये चार्ज तीन रास्तों में बटेगा,
इस रास्ते तक जाने के लिए डेस्टिनेशन के लिए, आप मान लो यहाँ से जो चार्ज बटेगा वो किस रास्ते से जाएगा, सोचो। मान लो यहाँ से बटा तो इससे जाएगा, फिर या तो ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, तो मान लो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, क्लियर है? तो कितने लोगों से हो गया, तीन। सर लेफ्ट में भी तो जा सकता है, इधर से जाके इधर से इधर जाएगा तो बहुत लंबा रूट होगा, अच्छा ठीक है, और इधर से जाएगा तो ऐसा या ऐसा, क्लियर है? और अगर इधर से जाएगा तो इधर से क्या, मान लो ये वाले क्या कर, ऐसे जाए, उसके बाद यहाँ से या तो ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, फिर यहाँ जाने के लिए या तो ऐसे आए या ऐसे आए, तो इसको भी तीन लोगों से थ्रू होके जाना पड़ेगा, सबके पास दो दो रास्ते। तो तुम देख लो सबके पास जो यहाँ से आगे रास्ते मिल रहे हैं तीनों एक ही जैसे हैं, हाँ या ना भाई? यहाँ से तुम्हें तीन रास्ते मिल रहे हैं ना, तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, और तीनों आके जाके सिमिलर रास्ता है। कोई ऐसा नहीं बता सकते कि ये वाले रास्ते जाएंगे सेम तरीके से, सब में जाना है, मतलब यहाँ से जाके बाएं मुड़ना है, वहां से मुड़ना है, ऐसे। तो तुम देख रहे हो कि एक ही जैसा सिमिलर रास्ता है, तो यहाँ पे चार्जों को कैसा बटना चाहिए? इक्वल अगर सेम कैपेसिटेंस है और सब पे सेम चार्ज है तो उनके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? वो Q/C सेम होगा, क्लियर इतनी बात? तो कैन आई से पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री they are on same potential? आया ना भाई? मान लो यहाँ का potential VA है, यहाँ का potential VA है, तो यह one का potential क्या होगा? VA minus Q/C? Three का क्या होगा? VA minus Q/C? ठीक है, potential at one, potential at two, पोटेंशियल एट थ्री क्या होगा? VA माइनस क्यू बाई सी, आया ना? तो इस मतलब वन टू एंड थ्री सभी एक ही पोटेंशियल पे है, तो ये पॉइंट वन, ये है कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर और ये है तीसरा कैपेसिटर, इससे निकलने वाला जो दूसरा वायर है वो सभी सेम पोटेंशियल पे है, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर इतनी बात? तो क्या मैं तीनों पॉइंट को एक जगह पे रख सकता हूँ? क्लियर है? सिमिलरली जब यहाँ से चार्ज आएंगे तो वही चार्ज यहाँ से भी आएंगे, क्योंकि सबका समेशन वही होना चाहिए जो यहाँ से अंदर आया है, आया ना? जो बी पॉइंट पे आके मर्ज हो रहे हैं, ये और ये तीन रास्ते से आएंगे चार्ज, और तीनों सिमिलर रास्ते से आएंगे, तो जो चार्ज यहां से गए हैं वही चार्ज तो यहां मिलेंगे। अगर यहां Q/3 हुए थे तो यहां भी Q/3 होके यहां टोटल Q हो जाएगा। अगर यहां से Q चला था, या मान लो यहां से 3Q चला था, तो यहां भी 3Q होगा और Q तीनों में बटा रहा होगा। और B तो एक कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल तो तीनों का एक टर्मिनल का सेम है, आया ना? और ये जो पॉइंट है जिनको मैं नाम देने जा रहा हूं, कुछ मान लो 4 और ये है 5 और ये है 6, 4, 5, 6 इस वाले टर्म B पॉइंट से Q/C ज्यादा होंगे, आया ना? सर फिर से एक बार बताओ। मान लो यहाँ का पॉइंट, ये पॉइंट बी है और यहाँ से क्यू चार्ज जा रहा है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ वाले पोटेंशियल से ये ड्रॉप हुआ होगा ना पोटेंशियल Q/C, इधर आओगे तो अप होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? बी का पोटेंशियल प्लस Q/C यहाँ का पोटेंशियल,
भाई ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, इधर जाते तो घटता हाँ। तो अगर इसमें से इधर जाऊंगा तो कितना पोटेंशियल घटेगा क्यू बाई सी, लेकिन उल्टा जा रहे तो बढ़ेगा, इसमें से इतना घटा दोगे तो वीवी बचेगा यहाँ पे, क्लियर है। तो मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल वीबी है तो यहाँ क्या क्या होगा, वीबी प्लस क्यू बाई सी, वीबी प्लस क्यू बाई सी, तो वी फाइव होगा वीबी प्लस क्यू बाई सी, चार पाँच छह का वही होगा, पांच चार पांच छह सबका वही होगा, तो चार पांच छह सबका वही होगा, तो सभी एक ही पोटेंशियल पे हैं, आया ना, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब तुम्हारे टोटल कितने साइड्स थे, टोटल कितने साइड थे, 12 12 साइड्स थे, मतलब 12 कैपेसिटर थे, कितने अभी यहाँ आ गए तुम्हारे, एक छे, छे, तो बच्चे यहाँ कितने, तीन यहाँ तीन, हाँ छे, छे बच्चे, तो ये छे किसके बीच में होंगे, इन दोनों के बीच थ्री, में फोर, हाँ यहाँ छे रख दो, थ्री, हाँ थ्री फोर फाइव थ्री वन सिक्स, आया ना, टू, यस सर, फाइव और टू के बीच में, वन सिक्स और वन फाइव के बीच में, दो, वन सिक्स और वन फाइव के बीच, हाँ ठीक है, फिर टू को लो, टू सिक्स एंड टू फोर के बीच में, टू सिक्स टू फोर, हाँ सर, फिर थ्री को लो, थ्री फाइव और थ्री फोर के बीच में, थ्री फाइव थ्री फोर, क्लियर है कि नहीं, यस सर, क्या सबको क्लियर है ये, अब निकल जाएगा, हाँ सर, ये कितना है, यस सर, हाँ थ्री सी, थ्री सी, यस सर, ये सिक्स सी, थ्री सी, तब ये कितना हो जाएगा, वन बाई सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, वन बाई थ्री सी प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स सी प्लस फाइव बाई सिक्स सी बाई फाइव, सिक्स सी बाई फाइव, तो टू सिक्स सी बाई फाइव, वन टू वन प्लस टू प्लस, तो फाइव बाई सिक्स सी, सिक्स सी बाई फाइव, तो क्या आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, सिक्स बाई फाइव इंटू सी, क्लियर है कि नहीं, यस सर, जिस प्रकार जो तुम कर रहे थे यही सिमिलर क्वेश्चन था, हाँ सर यही था, क्या तुमने ये मेथड फॉलो किया था कुछ और, हाँ सर यही वाला किया था, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम कर दिया था, फिर जॉइन कर दिया था जो सेम सेम पोटेंशियल थे, तो क्या सर्किट को इस तरह से बना लिया था तुमने, हाँ सर ये वाला बना लिया था, वेरी गुड, तो क्लियर है कि नहीं सबको, यस सर, लिखना है तो लिख लो नहीं तो आगे बढ़े, लिख लो, चलो मान लो कि यहां से चार्ज क्यू आ रहा है, अब क्यू कोई भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने वाला होगा, बैटरी होगा सेल होगा वो कुछ कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कैपेसिटर सी है और यहां पे शॉर्ट सर्किट है, तो बताओ क्या होगा, इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, सर नीचे शॉर्ट सर्किट है सर तो पोटेंशियल सेम होगा, तो सर तो क्या करंट पूरा का पूरा सी में चला जाएगा, बताओ मुझे ये चार्ज क्यों कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी में जाएगा, हाँ सी में पूरा, हाँ सर सी में चला जाएगा क्योंकि उधर रेजिस्टेंस मिल जाएगा, एक वायर है रेजिस्टेंस मिल जाएगा ना, किसमें वायर रेजिस्टेंस मिलता है, कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस लेते हो, पूरे सर्किट में जहां जहां वायर यूज होगा उसमें रेजिस्टेंस लेते हो, नहीं सर्किट में रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर, तो नहीं सर उसमें ऐसा दो कैपेसिटर जिसका हाई कैपेसिटेंस था उसमें ज्यादा जा रहा था, पैरेलल कॉन्सेप्ट लगाओ ना, हाँ पैरेलल का वो भी कहाँ से आया था, इसी कॉन्सेप्ट से आया था, पकड़ना तो कॉन्सेप्ट है तुम्हें,
तो क्या होगा इसके इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा, V होगा क्यू बाय इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दो से क्यू बाय सी, क्यू बाय सी। सभी एग्री कर रहे हैं? यस सर, यस सर, हाँ यस सर। अब कुछ पकड़ लो, तो गड़बड़े मतलब नहीं। सो इस रास्ते से तुम देख रहे हो कि इस रास्ते से दिस इज रास्ता नंबर वन या रास्ता नंबर टू? चाहे रास्ता नंबर वन से जाओ चाहे टू से जाओ, ये तो पैरेलल है, दोनों साइड से पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। टू से पोटेंशियल ड्रॉप से क्या इस वायर में जाने पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं, तब जीरो होगा, वन बाय जीरो। तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। तो अगर इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो चार्ज क्या होगा अगर उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो? उतना ही क्यू ही रहेगा है? तो कोई कैपेसिटर है उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दो तो उस पे चार्ज कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सी इनटू वी। इस पे कितना चार्ज आएगा? जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चार्ज जाएगा किधर से फिर? दो नंबर से। दो नंबर से। क्लियर है कि नहीं? वैसे भी देखो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर होगा तो शॉर्ट सर्किट वाले पोजीशन से जाएगा ना भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ये क्या हो रहा है? यस सर। किसकी तरफ से? सर सर मेरे इधर वो पेन को फिल कर दी। अच्छा, ये समझ में आएगी नहीं सबको? सिमिलर कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे भी मिलेगा। मान लो एक आई करंट हो, जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाएंगे जब करंट को फ्लो कराएंगे चार्ज को और ऐसा कर दे, अब बताओ दोनों में करंट कितना जाएगा, कैसे बटेगा? नीचे तो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट वाले जाएगा ना, पूरा पूरा करंट इससे जाएगा, इससे कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ भी वही लगेगा V equal to IR। IR ठीक है, तो अगर डेल्टा V जीरो हो गया तो उस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना होगा? जीरो होगा। जीरो। क्लियर है कि नहीं? यस। कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन शॉर्ट सर्किट में? क्लियर है? गुड, लेट मी चेक समथिंग। सो ये हो गए तुम्हारे, तो इस तरह से तुम्हारे कॉन्सेप्चुअली सभी हो गए, लेकिन हम पूरे को कुछ और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करके सीखेंगे। ठीक है, सो इसको बताओ कैसे हैंडल करोगे। तुम्हारे पास कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तुमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरे को फिल कर दिया। ठीक है, पूरा भरा हुआ, लाइन हमने सही से नहीं बनाई है तो टेढ़ी दिख रही है, बट ये पूरा भरा हुआ ऐसा समझो। ठीक है, इनफैक्ट इसको हटा के कुछ ऐसा सोचो। ठीक है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कुछ ऐसा है कि वैरी कर रहा है। अगर मैं इधर से इधर आऊं
अगर मैं इधर से इधर आऊं, ठीक है, तो इसको तुम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, दिस साइड, ओके सॉरी लेट मी चेंज द कलर, दिस साइड इज वाई एक्सिस, दिस साइड इज वाई एक्सिस एंड दिस साइड इज पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक तरह से जैसे जैसे मैं एक्स के डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, क्लियर है कि नहीं? डाइइलेक्ट्रिक चेंज हो रहा है एक्स, हाँ। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर के नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स, क्लियर है कि नहीं? मतलब कि यहां पे मेरा डाइइलेक्ट्रिक कितना है? के नॉट, के नॉट है। यहां पे मान लो अगर ये दूरी मैं बोलू एक्स वन है, ये दूरी यहां पे, तो यहां पे मेरा डाइइलेक्ट्रिक कितना है? के नॉट प्लस अल्फा के एक्स वन, अल्फा एक्स, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और तो इस तरह से मान लो कि ये पूरी जो दूरी है, ठीक है, ये है ए, और प्लेट्स के बीच में जो दूरी है वो है डी। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटर का, क्लियर है कि नहीं सबको प्रॉब्लम? सर मतलब कैपेसिटर नहीं हिल रहा ना, खाली हम लोग ऐसा रेफरेंस खाली राइट में लेना है ना थोड़ा। क्या हुआ, ये कैपेसिटर है कुछ ऐसा? पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक भरा है। डाइइलेक्ट्रिक ऐसा है कि उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब कांस्टेंट नहीं रहा, वो कांस्टेंट प्लस सम वेरिएबल है, मतलब जैसे जैसे इधर मूव करेंगे उस वेरी करता जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले k को इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है कि नहीं करना, इसका डिसीजन तब होगा जब हम उसको डायरेक्टली जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, पहले ये डिसाइड करें। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन ना। और कैपेसिटेंस में समेशन कब आता है? जब पैरेलल होगा। जब सभी डाइइलेक्ट्रिक पैरेलल होंगे तभी तो हम डायरेक्टली जोड़ते हैं। तो हर एक एलिमेंट पैरेलल होंगे, पहले ये डिफाइन करो, तब उस पर इंटीग्रल सोचो लगाएंगे। और नहीं तो अगर पैरेलल नहीं है तो 1/c का इंटीग्रल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो पता है कि वेरी कर रहा है, तो हमें इंटीग्रल लगाना ही लगाना, वो ठीक है। बट वो इंटीग्रल सी का होगा कि 1/c का होगा, ये पहले तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि सीरीज बनने वाला है सभी एलिमेंट्स का कि पैरेलल बनने वाला है। आया ना? तो पैरेलल हो गया, सी का होगा। हाँ। तो मान लो कि एक्स के हिसाब से जाएंगे, तो मान लो यहाँ पे हम लेते हैं कोई एक्स दूरी पे, मान लो ये x दूरी है यहाँ पे, और ये dx थिकनेस का एक प्लेट लेते हैं यहाँ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया dx, ये हो गया dx, और इनके बीच की दूरी d, और अंदर डेप्थ a, मतलब a का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इधर भी a है और ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है। ऐसे बन रहा है ना ये, और इसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। और इस डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है? के नॉट प्लस अल्फा एक्स, क्योंकि हम एक्स दूरी पे देख रहे हैं, एक्स वेरिएबल को हमने एक्स रख दिया। क्लियर है कि नहीं? तो इसका डीसी छोटा सा कैपेसिटेंस क्या होगा? के प्लस अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए। ए कितना है? एरिया ऑफ द प्लेट, ए इंटू डी एक्स। आया ना? यस, प्लेट का एरिया तो ये है ना, ए इंटू डी एक्स, और उनके बीच की दूरी डी टाइम्स के, यस सर, के नॉट प्लस अल्फा एक्स। आया ना? यस सर। अगर मान लो एक्स की जगह हम एक्स वन यहाँ पे लेते, यहाँ पे कहीं लेते, तब भी तो ये प्लेट इधर है, ये प्लेट इधर है,
तो ये प्लेट और ये प्लेट तो सेम पोटेंशियल पे है ना, क्योंकि इसी पे बड़े वाले प्लेट का हिस्सा है, और ये प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे है, तो ये बड़े वाले प्लेट का हिस्सा है। इसके मतलब मान लो अगर ये डीसी वन होता और ये डीसी टू होता, तो डीसी वन और डीसी टू आपस में कैसे जुड़े हैं, पैरेलल की सीरीज, ये उसी सेम पोटेंशियल पे है ना। हाँ सीरीज भाई, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल है तो पैरेलल में होगा, पैरेलल होगा ना भाई। हाँ हाँ सेम पोटेंशियल पे। अच्छा भाई, एक एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ऐसे डीसी वन डीसी टू डीसी थ्री सटे सटे हैं, और सबके ये वाले टर्मिनल एक पे हैं, ये टर्मिनल एक पे हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो पैरेलल है मतलब समेशन ऑफ सी करना है, मतलब इसका सीधा इंटीग्रल कर देना। क्लियर है कि नहीं? और तुम्हारा एक्स वेरिएबल जीरो से लेके कहां तक जाएगा? ये जाएगा ए तक, एक्स से लेके ए तक, ए तक। क्लियर है कि नहीं? हां सर। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो, बताओ। जी सर। अच्छा बन और सर मैं आंसर क्या आया फिर से बोलो। क्या है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, वेरी गुड। एप्सिलॉन नॉट, के नॉट, के नॉट बाय डी, बाय डी प्लस अल्फा इनटू ए क्यूब। कॉमन या इसको कॉमन ले लो ना। हाँ एप्सिलॉन को कॉमन ले लो, इतने को कॉमन ले लो, नॉट डी को। तो के नॉट प्लस ए अल्फा बाय टू। हाँ सर, बाय ये डी भी होगा, डी तो बाहर आ गया सबके लिए। हाँ सर। क्लियर है, यही आ रहा है सबका? हाँ सर। यस गुड। इधर क्या है? के नॉट क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अच्छा हाँ सही है। हाँ हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। तो तुमने देखा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट है तब भी निकाल सकते हो, वेरिएबल है तब भी निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब यही अगर ऐसा होता, सोचो अब तुम्हारे पास प्लेट ऐसी है, एक प्लेट ऐसी है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक करा, ठीक है। बट अब जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस डायरेक्शन में वेरी कर रही है, क्लियर है कि नहीं? किस डायरेक्शन में वेरी कर रही है? इस डायरेक्शन में। ये क्या है? बीटा वाई। मींस अब हमारा के क्या हो रहा है? अब मेरा के है के नॉट प्लस अल्फा वाई। क्लियर है? यस सर। अब क्या, अब इसको कैसे करोगे सर? अब तो पैरेलल में ब्रिंग वो सीरीज में, अब सीरीज में करोगे तो? यस सर, क्योंकि यहां से वाई दूरी पे तुम डी वाई थिकनेस लोगे, तो ये बनेगा और ये बनेगा। तो अब ये जो बनेगा यहाँ एक छोटा सा डीसी, इसके बगल वाले डीसी, इसके पहले वाले डीसी, सभी में सभी प्लेट अलग अलग है, सेम प्लेट नहीं है, मतलब सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है,
बट जो चार्ज इधर से जाएगा वही चार्ज सबके थ्रू होके जाके उधर से निकल जाएगा। यस सर। तो अब यहाँ पे किसका करोगे, सी का इंटीग्रल करोगे, डीसी का करोगे इंटीग्रल कि वन बाई डीसी का करोगे? वन बाई डीसी। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। और इसके इंटीग्रल से तुम्हें क्या आएगा, वन बाई सी इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर है कि नहीं? और फिर उसका जो रिवर्स करोगे वो सी इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ओके सर। सो अब चाहे तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा हो, ठीक है, दोनों केस में, अब वेरी चाहे तुम्हें एक कैसे बोलेंगे, एक क्रॉस भी हो या एलॉन्ग हो, दोनों केस में हैंडल कर लोगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। चलो एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर कोई चीज अर्थ की हुई है, मान लो कोई वायर अर्थ किया हुआ है, ठीक है, तो अर्थिंग के कॉन्सेप्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो यहाँ पोटेंशियल जीरो जीरो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। और अगर अर्थ किया है देन अर्थ इज ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यस सर। तो मान लो कि ये कोई बहुत पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे बहुत तगड़ा पॉजिटिव चार्ज था, इसको मैंने अर्थ किया, तो अब क्या होगा? सर ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर फ्लो करेंगे ताकि इस जगह को भी इसी पोटेंशियल पे ले आए। यस सर। तो ये जगह कितने पोटेंशियल पे है? जीरो। ये जीरो। तो ये भी कितने होना चाहिए? जीरो पे। बट इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होके इसको क्या कर देंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। ठीक है, दूसरा सिनेरियो लो कि बहुत ही निगेटिव चार्ज है और उसको तुमने अर्थ कर दिया, तो क्या होगा? निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव पोटेंशियल है, और यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, तो अब इसको भी जीरो होने के लिए अपने चार्ज को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। तो ये जब इधर फ्लो कर जाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके मतलब अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई भी करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम भी करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। और उसके पीछे मकसद क्या होगा? पोटेंशियल जीरो करना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। दोनों केसेस लिख लो। सो अर्थिंग पे हम कैप करते हैं। मान लो कि अभी तुम्हारे पास एक सर्किट ऐसा है, ये मान लो इसका ईएमएफ या ये वोल्टेज, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों में डिफरेंस मालूम है? एनीवे अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का भी होता है। हाँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो टर्मिनल वोल्टेज वही होगा जो ईएमएफ होगा। तो अभी के लिए मान लो इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो टर्मिनल वोल्टेज इधर ई वन है, इधर ई टू है मान लो, और ये सी वन है और सी टू है, ये सर्किट है। तो ये बताओ C1 C2 पे चार्ज अलग अलग होंगे कि सेम होंगे? C1 C2 इक्वल है क्या? अलग अलग है, C1 और C2 लिख दिया तो अलग ही हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, अलग अलग होगा।
तो चार्ज इक्वल है कि नहीं दो कैपेसिटर पे, इसके लिए क्या देखोगे कि दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? अगर पैरेलल में हुए तो अलग अलग, सीरीज में हुए तो क्या लगता है? अगर इधर से मान लो चार्ज चला, कहीं से भी मान लो चार्ज चला तुम्हारा, सॉरी ये बैटरी सर दोनों है। सर आवाज कट रही है सर, सर आवाज कटी, क्या सबके लिए कट रही है? नहीं दिया। हेलो, आवाज किसी को नहीं आ रही? हाँ थोड़ी। ओके, तो मान लो कि इधर से चार्ज चलता है, ठीक है, क्यू चार्ज चलता है, तो क्या होगा? इसमें वही चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा? दोनों तरफ क्यू जाएगा, तो यही चार्ज तो इसमें जाएगा, एक ही वायर तो है, तो दोनों पे चार्ज क्या होगा? सेम। तो अगर इस पे क्यू है तो इस पे माइनस क्यू, तो इस पे क्या आएगा? प्लस क्यू, प्लस क्यू माइनस, और इस पे माइनस क्यू। क्लियर है कि नहीं? यस सर। गुड, चलो अच्छी बात, माइनस क्यू आएगा। क्या हुआ? नहीं कुछ। अब मान लो इस पॉइंट को मैं नाम ए दे रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं अर्थ कर दे रहा हूँ, तो तुम्हें बताना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सर्किट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे मुझे लग रहा है। टेंथ को टेस्ट लेते हैं। एनीवे, सो दिस इज ए मान लो, ठीक है, और इसको मान लो तुम बी, इसको बी, किसी को मान लो ए है बी है, मान लो ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा सी और ये है तुम्हारा डी, ठीक है। सो वी बी माइनस वी सी क्या होगा? VB माइनस VC, VC कितना है? ये जीरो, और जीरो ये E2, तो E2 होगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। VD माइनस VC कितना होगा? E1 हो जाएगा, ये नहीं Q by C, Q by C2। अच्छा D माइनस C, आया ना C2। हाँ सर, यस सर। और वी ए माइनस वी डी कितना होगा? इन दोनों में कौन सा एक्सेस, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका या इसका? इवन। ए और डी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? इधर पोटेंशियल अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है? ये इधर ये है टू लो, ये डी का ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा ना, मतलब कम में से ज्यादा को घटा रहा है, तो माइनस इवन ना, तो माइनस। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। इधर इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो पॉजिटिव हो गया, तो VB माइनस VA में VB ज्यादा होगा VA से, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, कितना होगा? Q by C। तो ये नहीं सॉल्व हो रहा था तुम लोगों से? एक दो तीन चार, इसमें तुम्हें मालूम है जीरो पे है, तो एक तरह से तुम्हारे पास तीन ही अननोन बचे और चार इक्वेशन है, पोटेंशियल पूछा था तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल देख लो, तो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम था इसमें? जल्दी से बताओ VA की वैल्यू क्या आएगी? सर E2 माइनस ये Q by C1, माइनस Q दिया हुआ क्या तुमको? नहीं निकालना है।
तो एक तरह से चार हो गए, तीन एक चार, तो चार चार है तो चार चाहिए अभी, तो ठीक है। तो मैं बस मैंने ये क्वेरी दिया, ये दिया था ना सर्किट में सी वन सी टू ई वन ई टू इसको अर्थिंग, तो लोन तुम्हारे पास ये चार ही है सी वन सी टू ई वन ई टू। ओके सर सही है वी आर एस सर, हाफ सी वन माइनस सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, हाफ सी वन माइनस सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू और एक मिनट से गलत हो रहा है कहीं पे, तो दिस विल कम सी वन ई टू माइनस ई वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ठीक है सॉल्व कर लेना मैथ पार्ट, इट्स लाइक फोर अननोन एंड फोर लीनियर इक्वेशंस, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। क्लियर है? यस सर। चलो कुछ और मैथ कॉन्सेप्चुअल करते हैं। सो मान लो तुम्हारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक, इसके दो पैरेलल प्लेट्स हैं और इनको मैं एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे रहा हूँ, चाहे ऐसे जोड़ दू चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, ये कंडक्टिंग वायर है। और इनके बीच की दूरी d है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है प्लेट्स का, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा? कितना कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा नहीं। वेरी गुड, सो q इक्वल टू cv वाले फॉर्मूले से c बराबर क्या हो जाएगा, q बाय डेल्टा v, तो q बाय जीरो इस केस में, इसका क्या मतलब हुआ c विल टेंड्स टू इनफिनिटी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, मान लो कि इन दोनों प्लेट्स को मैं अर्थ कर दूं, तो इसका सी क्या होगा? सर इसमें भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि दोनों का तो जीरो है, तो ये जीरो पे, ये भी जीरो पे है, तो डेल्टा वी भी जीरो पे, तो फिर से क्यू बाई जीरो, तो सी टेंड्स टू इनफिनिटी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो अगर कैपेसिटर्स के प्लेट्स को हम कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें या दोनों प्लेट्स को अर्थ कर दें तो उसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करता है। क्लियर है सबको? यस सर। लिख लो। लिख लिया सर। सबका हो गया? यस। चलो अब एक और कैप। सो लेट्स से ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, ठीक है? तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट, एक प्लेट है कंडक्टिंग है, तो थिन सीट है, उसके दो सरफेस होंगे, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, ठीक है? So this is outer and these two are inner, अब इसको मैं चार्ज देता हूं Q1 और इसको चार्ज देता हूं Q2, ठीक है? So let's say this is surface 1, this is surface 2, this is surface 3 and this is surface 4. ठीक है, तो you have to tell me charge on surface 1, let's say that is Q1, charge on surface 2, Q2, charge on surface 3, Q3, charge on surface 4, Q4, ये होंगे क्या? This is homework for you.
हिंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्या कॉन्सेप्ट यहां लग सकते हैं? पोटेंशियल का, पोटेंशियल का कौन सा कॉन्सेप्ट? क्या ये जो प्लेट है ये क्लोज्ड है? हाँ, तो गॉसियन। ओके, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, और इसके अंदर जीरो, बस जीरो। और इसकी वजह, इसकी विसिनिटी में कितने प्लेट्स हैं? एक, दो, तीन, चार। ये चारों मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे। चारों मिलके यहाँ आया ना। और वो नेट क्या होना चाहिए? जीरो। क्लियर है कि नहीं? अगर ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा यहाँ पे, ये E2 बना रहा होगा, ये E3 बना रहा होगा, ये E4 बना रहा होगा यहाँ पे, तो ये सबका समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। अगर इस पे चार्ज जाएगा इस वाले प्लेट पे, तो इस पे चार्ज डेंसिटी मान लो σ1 होगी, इस पे σ2, इस पे σ3, इस पे σ4, तो इन चारों सीट्स के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे। उसका नेट समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। क्लियर होना चाहिए। ऐसे एक यहाँ पे कर लेना, इसका निकल गया, इसका निकल गया, फिर Q1 Q2 तो सॉल्व हो गया ना। फिर दो ही तो अननोन है, दो इक्वेशन बन गए। अच्छा, नहीं सॉरी, Q1 Q2 है ना। ओके, जब σ1 σ2 निकालोगे तो वहां से तुम्हें वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। मान लो दो अननोन कैसे बनेंगे, मान लो इस पे चार्ज गया Q1, तो इस पे कितना चार्ज जाएगा? Q1 Q2 तो तुम्हें Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। जब Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी सबकी आ जाएगी। Q1 एंड Q2 ये तो दिया हुआ है, दे आर नोन ना। दोनों प्लेट्स को अगर मैं अलग अलग चार्ज दे दूं तो प्लेट्स पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये कहानी है। इसको मैंने पहली बार समझाते समय किया भी है, मैंने Q चार्ज दिया था। और बताया था इधर कितने चार्ज आएंगे, इधर कितने आएंगे, इधर कितने आएंगे, इधर कितने आएंगे। एक डिसीजन हो चुका है, ठीक है। तो